वेलकम टू speedending.com। ऑप्शन ट्रेडिंग का एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे ऑप्शन का रिस्क बिल्कुल मिनिमम हो जाने वाला है, लेकिन आपसे बस एक ही गुजारिश है, वीडियो को आखिरी तक देखने वाले हैं अगर, या तो हमारी बात बिल्कुल मत सुनिए, सुनिए तो पूरी सुनिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आने वाले पूरे महीने में सबसे इम्पोर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। आप जिनको भी पसंद करते हैं, जिनकी भी फिक्र करते हैं, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, शेयर करने के लिए कहिए, तो हम आपको लगातार जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बता सकते हैं। ये बुलरन आगे 1 से 1.5 साल और रह सकता है, समय कम है। एक बार अगर ठीक से इस मौके का फ़ायदा उठा लिया तो ज़िंदगी भर गरीबी आपको परेशान नहीं करेगी। तो ऑप्शन की ये स्ट्रेटेजी क्या है, इसको हम समझें। कोई स्टॉक रेंज में है, हमने देखा कि भाई टाटा मोटर है, आजकल ज्यादा न चलता है न गिरता, एक बार नीचे गिरने के बाद रेंज में बन चुका है। कैसे हैंडल करें इसको किसी भी स्टॉक में? अब जैसे हमने देखा वो 380 के आसपास चल रहा है। हमने आपको पहले सारी स्ट्रेटजी बता रखी थी कि आप कॉल पुट को बाय करके रख सकते हैं, दूर दूर की कॉल पुट को शॉर्ट सेल करके रख सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ खतरे क्या है कि रेंज से अचानक भागने लगा या भागते भागते अचानक रेंज में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उस गड़बड़ में हम बार बार 3 महीने पीछे चले जाते हैं, कई बार ज़्यादा बड़ी गलती हो गई तो कैपिटल ही खत्म हो जाती है। तो आखिरकार आदमी का मन खत्म हो जाता है कि भाई नहीं करना ट्रेडिंग। सबसे पहले तो ये अश्योरेंस चाहिए, अभयदान चाहिए कि जो पैसा मैंने लगा रखा है वो तो सेफ रहेगा, नहीं हो मुझे ज़्यादा फायदा, लेकिन सबसे पहले पैसा सेफ, उसके बाद रेगुलर प्रॉफिट जैसे किसी और कैरियर और बिजनेस में होता है। छोटे पैमाने पे जब चीज़ मेंटेन हो जाएगी हम उसको बहुत बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। क्योंकि क्या ठीक है 20-25-30 हज़ार रुपये की प्रीमियम लगा कि कॉल पुट में आपने काम कर लिया और 10 हज़ार माइनस हो गए तो आपके लिए छोटी बात है, लेकिन अगर किसी काम को बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते हैं तो फिर उसमें ग्रोथ के चांसेस खत्म हो जाते हैं। भाई मैं 5 लाख रुपए लगा सकता हूँ किसी बिजनेस में, 5 लाख सबसे छोटा अमाउंट है किसी बिजनेस में लगाने के लिए। स्टॉक मार्केट में 5 लाख एक अच्छा अमाउंट हो सकता है, क्योंकि अगर हम 10 लॉट में काम करें तो 5 लाख में हमारा कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो अगर मुझे 1 लॉट में 3 हज़ार मिले तो 10 लॉट में 30 हज़ार रुपये बन जाएगा। पहले महीने के पहले 2 दिन में 30 हज़ार बना लिया, पूरे महीना फ्री बैठे हैं, कोई रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं। तो तरीका क्या होगा? तरीका यह होगा कि टाटा मोटर 380 पे खड़ा है तो मैंने 10-10% दूर का 420 का कॉल, लगभग 40 पॉइंट दूर, और 340 का पुट 40 पॉइंट नीचे, इन दोनों को क्या किया, शॉर्ट सेल कर दिया। अब जरूरी नहीं है 10-10% दूर, अगर आपको 10% दूर में लग रहा है कि सर उसकी तो प्रीमियम ना के बराबर है, ये 1 रुपये है उसकी 70 पैसा है, तो फिर थोड़ा पास आ जाइए, फिर 5-5% दूर देख लीजिए। तो जहां ठीक ठाक प्रीमियम है, बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं, उसको शॉर्ट सेल कर दिया। और 380 एट द मनी कॉल पुट है, अब ये रेंज में है तो इसके हाई लो ज्यादा दूर नहीं होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 380 का कॉल पुट है इनमें हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा के बैठे रहेंगे। दूर दूर के कॉल हमने शॉर्ट सेल कर रखे हैं और पास पास के जो 380 के कॉल पुट है उनमें हाई के ऊपर बाइंग लगा रखी है, ओपन है जी। तो क्या है पूरी थ्योरी? पूरी थ्योरी ये है कि जैसे कहा जाता है कि 22 दिन अगर ट्रेडिंग होती है तो 15 दिन तो रेंज में रहता है बाजार, तो 15 दिन रेंज में जो बाजार है उससे वो हमको प्रीमियम आराम से मिलती रहेगी। पहले 10% दूर के शॉर्ट करके रखे, जब 10% की प्रीमियम ना के बराबर रहेगी तो 5% वालों को शॉर्ट करने लगे, उनकी प्रीमियम हम खाते रहे, रोज कहीं 1,000, 2,000, 3,000 हमको मिल रहा है। तो 22 में से 12-15 दिन तो हमको एक अच्छा पैसा हमने इकट्ठा कर लिया थोड़ा थोड़ा करके, शॉर्ट सेलिंग में बहुत बड़ा पैसा नहीं आएगा। उसके बाद क्या हुआ, 4-4, 5-5 दिन में एक ब्रेकआउट हुआ तो 380 से एकदम भागा और समझो 410 चला गया, तो मेरे कॉल का ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। तो कॉल का ट्रेड एक्टिवेट हुआ तो उसमें बड़ा प्रॉफिट आएगा, जबकि दूर दूर के कॉल पुट है ये भी बढ़ेंगे घटेंगे, खैर ये सेफ है, दोनों एक दूसरे को संभाल रहे हैं,
फिर भी इनमें 2 पॉइंट का नुकसान हो गया तो उधर तो 5 पॉइंट मिलेंगे। मैं पूरा एग्जाम्पल से बताता हूँ। मैं मानता हूँ ये कि 340 का पुट सपोज 3 रुपए का है और 420 का जो कॉल है दूर का वो 4 का है, टोटल 7 रुपए की प्रीमियम हमने शॉर्ट कर रखी है, कॉल पुट दोनों शॉर्ट कर रखे हैं। और 380 का कॉल है 10 रुपए का जिसका हाई 11.50 है और पुट जो है वो 10.50 का है, उसका भी हमने सोचा हाई 11.50 है। ठीक, तो हाई पे हमने बाइंग लगा के रखी हुई है। अब अगर रेंज बनी रही तो वो जो 7 रुपए के प्रीमियम हमने शॉर्ट कर रखी है उसमें से 2 पॉइंट हमको मिल गए। अब लॉट साइज समझो 1500 है तो हमने 3000 रुपए कमा लिए। वो रेंज में है, वहां की प्रीमियम हमको मिल रही है। फिर अचानक क्या हुआ, रेंज टूट गई तो वो जो 7 रुपए का प्रीमियम था उसमें नुकसान हो जाएगा। हो सकता है वो दोनों कॉल पुट बढ़े हैं और दोनों का टोटल 9 रुपए दिखने लगे 7 के बजाय, तो 2 रुपए का नुकसान हो रहा है हमको। लेकिन उसके अगेंस्ट क्या होने वाला है, 11.50 का कॉल का हाई ब्रेक हुआ और जब 380 से 410 हुआ टाटा मोटर, तो हमारा वो 11.50 से कॉल 16.50 17 तक चला गया। तो हमारे 2 पॉइंट जा रहे हैं और 6-7 पॉइंट मिल रहे हैं, पूरी सेफ्टी के साथ पैसा मिल गया। इसका जस्ट अपोजिट होता, अगर वो 380 से 410 जाए ये जरूरी नहीं, वो 380 से 350 भी तो आ सकता है। रेंज किसी भी दिशा में टूट जाती और वो नीचे आ जाता तो 1150 पे पुट का ट्रेड एक्टिवेट तो होता, कॉल का नहीं होता। तो पुट में हमको 5 रुपए मिलते और जो दूर दूर के कॉल पुट में 2 रुपए अगर चले भी गए तो भी हमने पूरी सेफ्टी के साथ पैसा बनाया होता है। हर एक स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, प्रॉब्लम यह है कि हम किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर पाते। अगर आपको किसी स्ट्रेटेजी में पैसा बनाना है तो इतना भरोसा कर लीजिए कि कम से कम मैं उसको 40 दिन के लिए ट्राई कर लेता हूं, उसके पूरे रिकॉर्ड को नोट कर लेता हूं और उससे क्या रेगुलर रिटर्न मिल सकता है उसको मैं पहचान लेता हूं। क्योंकि अभी हमको रिजनेबल वैल्यू नहीं पता अपनी। जैसे कोई एक नया लड़का है 20-22 साल का, इंजीनियरिंग पास करके आया है या कोई भी दूसरी डिग्री करे MBA पास करके आया, उसको जब नौकरी के लिए बुलाते हैं तो उसका मन होता है कि भाई मुझे शुरू से 1,25,000 रुपये दे दो। पर क्या आपने अपने अंदर उतनी वैल्यू डेवलप की है? तो 1,25,000 मांगते रहोगे, आपको कोई 25,000 देने को राजी नहीं होगा। लेकिन 25,000 के लिए अगर आप राजी हो गए तो 1,25,000 के लायक बन जाओगे। तो यहाँ पे ट्रेडिंग में हम वही बात आपसे कर रहे हैं कि अगर रिजनेबल चीज़ें आपने दिमाग में नहीं रखी हुई है और आपको लग रहा है कि मुझे 1,00,000 पे रोज 10,000 रुपये कमाने, तो आपको क्या लगता है आप 1,00,000 रुपये पे 25,00,000 रुपये साल के कमाना चाहते हैं? ये अनरिजनेबल रिजल्ट है जिसकी वजह से आपका 1,00,000 खत्म हो जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको कितना लिवरेज लेना पड़ेगा। तो लोगों को जब किसी ब्रोकर के यहाँ से लिवरेज मिलता है कि हम 10 गुना मार्जिन दे रहे हैं, 20 गुना मार्जिन दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है लड्डू मिल रहा है? मार्जिन लेने की वजह से तो आप कैपिटल खत्म हो रहा है। जो आदमी अपनी कैपिटल में ही काम करने को राजी है उसको अगर 5% का फायदा होगा तो उसको लॉस भी 5% का होगा। अगर मार्जिन 10 गुना लिया है तो 5% के नुकसान में उसको 50% का नुकसान हो जाएगा, मतलब उसकी कैपिटल पहले दिन आधी दूसरे दिन खत्म हो जाएगी। तो आप ये लिवरेज के पीछे मत भागिए। आपको क्या ध्यान रखना है किसी भी स्ट्रेटेजी में कि एक रिजनेबल प्रॉफिट आ रहा है और अगर वो सेफ्टी के साथ आ रहा है तो पूरी जिंदगी हम भी यही है, बाजार भी यही है। और जिस तरह का मेथड हम बता रहे हैं ये तेजी का ही मेथड नहीं है, ये पूरे 20-25 साल तक पैसा देता रहेगा। मंदी में तो बहुत ज्यादा देगा, मंदी में तो सुपर हिट मॉडल रहेगा ये। 3 साल की मंदी जब सब तरफ मक्खियां उड़ रही होगी, जितनी भी भीड़ है ये छट चुकी होगी, लोग भाग गए होंगे, शेयर का बुखार उतर गया होगा, उस वक्त भी आप पैसा बना रहे होंगे। प्रैक्टिस करके रखिए और प्रैक्टिस में अपना रिकॉर्ड रखिए। जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं मेल में आप हमसे बात कर सकते हैं। जितने भी पेड ट्रेनीज हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है 51,000 में डायरेक्ट, हमारे साथ 1-to-1 क्लास होती है। जैसा भी आपका लेवल हो उस हिसाब से आपको असिस्टेंस मिलता है। वो प्रैक्टिकल डिसिप्लिन आ जाता है, आप अंदर से पूरी तरह एक नए इंसान बन जाते हैं। क्योंकि बार बार हम आपको पुश कर रहे हैं, आपने जो गलत चीज़ें सीखी है पहले उनको मिटा रहे हैं, फिर नई आदतें आपके अंदर डेवलप की जा रही ताकि आप सक्सेसफुल हो सके। और 4,000 का जो वीडियो कोर्स है वो तो 10-15 रुपए रोज का इन्वेस्टमेंट है। अगर इतनी मानसिक तैयारी नहीं है आपकी तो आप सक्सेसफुल इस जगह तो हो ही नहीं सकते।
तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितना आपको पॉसिबल हो सीख सके। और वीडियोस में अगर आपका नजरिया ये है कि फ्री की चीजें देख देख के मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो जो आप बोल रहे हैं उसको सुनो अपने ही कानों से, आपको पता लग जाएगा कि फेलियर गूंज रही है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको 1%, 5%, 10% ऐसे कुएं में डालते आना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, वो फ्री में जो चीज मिल रही थी उसका भी मैं पैसा दे रहा हूं। जैसे किसी को अपना वजन घटाना है, वो घर में पसीना बहा सकता है, 4 ईंटें उठा के कुछ भी कर सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन उसने अपने आप को मजबूर किया, एक जिम में जाकर पैसा दे दिया। अब जिम में पैसा दे दिया है तो उस परवाह में कि यार पैसा लगा हुआ है तो चाहूंगा मैं थोड़ा वसूल करता हूँ, रोज वो करता है, कोशिश करता है और उसको रिजल्ट मिल जाते हैं। जो पसीना वो फ्री में अपने घर पे बहा सकता था, वो जिम में जाके क्यों बहा रहा है? क्योंकि हर तरीके से घर पे सब करके देख लिया, वो अपने आप से मजबूर था। तो यही चीज, यही सिस्टम हमने आपके लिए बनाए हैं जो कारगर हैं। जिन्होंने अप्लाई किया वो पार हो गए, कुछ लोग तो वहीं अटक के रह गए कि यार पैसा क्यों दूं, पैसा क्यों दूं, पैसा क्यों लगाऊं, क्या मिल जाएगा ऐसा, क्या ए वो। कुछ लोगों ने कहा चलो करके देखते हैं, देखा उन्होंने अगर 50 दिया तो 70 वापस रिकवर किया, 2 लाख रिकवर किया, किसी ने 4,000-8,000 खर्च किया, उनको 10,000 आ गया, उसके बाद वो सवाल ही नहीं कर रहे क्या मिला क्या नहीं मिला, वो वीडियो पहले से देख रखा था, ये वाला नहीं देखा, नया वाला कब आएगा, नहीं। पसीना बहाना है, खुद को मजबूर करना है, तब जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। थैंक यू।